नमस्कार, सिटी तहलका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य हेडलाइंस के साथ। आज का दिन पानीपत जिले के लिए बना विरोधी दिवस। एक दिन में तीन अलग अलग विषयों पर सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। स्थानीय विधायक बग्गी पर सवार होकर पहुंचे लघु सचिवालय। सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। कोर्ट द्वारा निकाले गए पीटीआई टीचर्स का धरना 15वें दिन भी लगातार जारी। विरोध के चलते पीटीआई टीचर्स ने फूका विधायक नैना चौटाला का पुतला। हरियाणा रोडवेज निजीकरण के विरोध और लंबित पड़ी मांगों को लेकर डिपो पानीपत की कर्मशाला गेट पर कार्यकर्ता मीटिंग का हुआ आयोजन। 3 जुलाई को भारतीय मजदूर दिवस को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी संगठन एकजुट होकर कर रहे तैयारियां। बड़ौदा उपचुनाव पर विधायक धर्म सिंह छोकर का बड़ा बयान, बीजेपी को लिया आड़े हाथों। संभालका ब्लॉक के 32 गांव में से 25 गांव में जर्नल और 7 में 80 कोटे के तहत होंगे चुनाव, निकाले गए ड्रॉ। आइए नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट्स पर। जिले में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही कोरोना रोगियों की संख्या। जून माह से अब तक 135 नए मामले आ चुके सामने। अनलॉक 1 हो रहा खतरनाक साबित। एक साथ फिर 5 नए केस आए सामने। हर 5 घंटे में मिल रहा एक कोरोना पॉजिटिव केस। गांव चुलकाना की 28 वर्षीय महिला व उसकी 7 वर्षीय बच्ची भी मिली कोरोना पॉजिटिव। क्षेत्र में मचा हड़कंप। सेक्टर 12 का 36 वर्षीय, सेक्टर 13-17 का 55 वर्षीय व इसराना की 59 वर्षीय वृद्धा भी मिली कोरोना संक्रमित। परिजनों के सैंपल लेकर सभी को किया गया होम क्वारंटीन। आसपास के लोगों की जा रही स्क्रीनिंग। स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव पाए गए मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को कर रहा ट्रेस। जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या का आंकड़ा पहुंचा 197 पर। एक्टिव केस की संख्या हुई 84। 103 मरीज अब तक कोरोना को मात देकर लौट चुके हैं घर। वही 7 की अब तक हो चुकी है मौत। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आज का दिन पानीपत जिले के लिए बना विरोधी दिवस। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आज जिले में 3 अलग अलग विषयों को लेकर विरोध किया गया, जिसमें महंगाई, पीटीआई टीचरों की मांगे और हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के साथ विश्वासघात शामिल है। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विरोध के चलते सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरा, कोर्ट द्वारा निकाले गए पीटीआई टीचरों का अपनी मांगों को लेकर धरना 15वें दिन भी लगातार जारी है, जिसके चलते आज पीटीआई टीचर्स ने विधायक नैना चौटाला का पुतला फूंका और बंधन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही तीसरा, हरियाणा रोडवेज निजीकरण के विरोध और लंबित पड़ी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल महामारी के चलते स्थिति को देखते हुए पहले सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया, जिसके चलते लोगों का रोजगार छिन गया था और अब अनलॉक होने के बाद जब लोगों ने धीरे धीरे अपना काम धंधा करना शुरू किया, तो लोग अब तक आर्थिक मंदी से उभरे भी नहीं थे कि सरकार द्वारा हर सामग्री के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। और कांग्रेसी नेता संजय अग्रवाल ने इस विषय पर क्या कहा, आइए वह भी हम आपको सुनाते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर। पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज ये प्रदर्शन किया गया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन सुम कुमारी शैलजा जी के आदेश के अनुसार आज हमने समस्त कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठे होकर डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि इस सरकार को जगाएं और आम आदमी की जरूरत की चीज़ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करें। कांग्रेस सरकार में जब $120 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी, जब डीजल हाईएस्ट 71 रुपये बिका था, आज $38 का रेट है और
डीजल पेट्रोल 80 रुपये पार हो चुका है। ऐसी त्रासदी और ऊपर से कोरोना महामारी से हर आदमी त्रस्त है, आम आदमी के जेब में पैसा नहीं है, ऊपर से रेट बढ़ाकर उनको और मारने का काम किया जा रहा है। ऊपर से हिंदुस्तान में इस टाइम बिजाई का सीजन चल रहा है, जमींदार का ट्रैक्टर हो चाहे पंप हो सब कुछ डीजल से चलता है। अब उनको भी हमारे व्यापारी जमींदार हर आदमी को मारने की कोशिश कर रही है सरकार, इसको आम आदमी की दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं है। मान लो नहीं कीमतों को वापस लेती है और इस तरह की जो है कीमतें बढ़ती रही तो कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है? आज हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से आवेदन किया है कि वह आम आदमी की जरूरतों का ध्यान रखे। अगर उसने हमारी बात नहीं सुनी तो ये प्रदर्शन अगले दिनों में जनता के साथ और बड़े रूप में उग्र रूप धारण करेगा, क्योंकि हम जनता की अनदेखी नहीं करने देंगे। वही बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर पार्टी ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व स्थानीय विधायक मौजूद रहे। विधायक अपने साथियों के साथ बग्गी पर सवार होकर लघु सचिवालय पहुंचे। वही इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि ने क्या कहा वह भी आप सुनिए। और आज सड़कों पर हम आए कि तेल का भाव जो भाजपा सरकार ने बढ़ाया, किसान के हित की बात को नहीं सोचा, मजदूर की बात नहीं समझी, व्यापारी की बात नहीं समझी, कर्मचारी की बात नहीं समझी। एक तो इस समय गरीब आदमी वैसे ही मार में है, पूरा देश मार में है, घाटे में है, किसी को रोजगार नहीं है, गरीब से गरीब आदमी को भी दिहाड़ी का वक्त नहीं मिल रहा, दिहाड़ी करने का उन लोगों के पास साधन नहीं है कि वो दिहाड़ी करें। इस दुख के समय ही भाजपा सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ाई और 23 दिन में 22 बार बढ़ाई, तो इससे साफ साफ दिखाई देता है कि भाजपा सरकार गरीब के भले की सरकार नहीं है, किसान के भले की सरकार नहीं है, मजदूर के भले की सरकार नहीं है, व्यापारी कर्मचारी के भले की सरकार नहीं है। ये इनके लोगों के बारे में ये भले की बात सोच ही नहीं सकते, और नहीं तो इस वक्त भाव बढ़ाने का कोई कारण नहीं था। दूसरी ओर माहौल अधिक खराब ना हो इसको लेकर प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय में पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस पार्टी ने मिलकर बढ़ती महंगाई और तेल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और युवा कांग्रेसी नेता शौर्यवीर कादियान ने क्या कहा वह भी आपको सुनाते हैं। तो इसमें मुख्य कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जी के आह्वान पर आज आम जनमानस की आवाज़ को दबाने का काम जो भाजपा सरकार कर रही है उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी आम जनमानस आम आदमी के साथ उतर करके सड़क पर पेट्रोल डीजल के दाम आज पिछले 72 साल में 23 दिनों में 22 बार पेट्रोल डीजल के रेटों में इजाफा हुआ। तो ये सरकार जो कहती है कि हम भारत का भला करना चाहते हैं, हम भारत की जनता के लिए खड़े हैं, ये 56 इंच का सीना जो नरेंद्र मोदी जी अपना दिखाते हैं, कहाँ गया वो सीना, कहाँ गई वो साफ़ सुथरी बातें जो चिकनी चुपड़ी बातें नरेंद्र मोदी जी करते थे, तो क्या हुआ उन बातों का? आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, आज लोगों के खातों में पैसा नहीं आ रहा, लोगों को झूठ बोला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर जो कदम उठाया है इस पर सरकार क्या रुख अपनाएगी, यह सोचने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। लगातार जो है तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही है उसके विपक्ष आज कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि पिछले जितने भी मुद्दे थे वहाँ पर किसी प्रकार से कोई विपक्ष की भूमिका नहीं दिखी। आज सड़कों पर कांग्रेसी नेता उतरे हैं। संभालका से विधायक धर्म सिंह चोकर हमारे साथ हैं, हम जानने का प्रयास करें। आज सड़कों पर उतरे हैं धर्म सिंह जी, किस तरह से अब आगाज किया है और आगे की क्या रणनीति है कांग्रेस? देखिए आज बीजेपी की जो तानाशाही सरकार है पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, हरियाणा सरकार में भी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जो आज तेल की कीमतों में इतनी एक रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है, आज पहला इतिहास में रच जाएगा, पेट्रोल से ज़्यादा डीजल महंगा होगा, तो किसान के लिए बड़ी दिक्कत है, व्यापारी कर्मचारी हर वर्ग दुखी है, जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब इस सरकार की चूल्हे हिल चुकी हैं, ये प्रदेश की नहीं पूरे देश की आज जनता समझ चुकी है और जनता इनको सड़क पर आएगी। और हमारे आज सभी हाईकमान श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश अनुसार सभी पानीपत जिले के सभी विधायकगण, एक्स विधायकगण, सीनियर वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी उपस्थित होकर आप ज्ञापन डीसी को माध्यम से ज्ञापन दिया, हमारी मांगे जो हैं ये आगे पहुँचाएँ सरकार को और आगाह करें। जहाँ तक इसकी जनता सरकार की बात है, आज सरकार ने हरियाणा में देख लीजिए व्यापारी सब नौकरियां लगाने की बजाय नौकरी हटाई जा रही है, व्यापारी का दुखी है, कोरोना की वैसे मार हो चुकी है, आज इतनी आपदा आ चुकी है। मैं को ये जो बीजेपी सरकार है ये हमारे सब के लिए अशुभ है
पूरे देश के लिए अशुभ है, पूरे प्रदेश के अशुभ है, कितनी आपदा आ रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा इन्होंने आज जनता ने जो फैसला लिया बड़ा अच्छा, और कांग्रेस पार्टी का अधना प्रसन्न शुरू हुआ और अब ये चैन से नहीं बैठेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे जब तक ये कीमती तेल की बड़ी कीमतें वापस ना लें। माँ आप संभालका से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन छोटी सी बरसात से संभालका तरबतर हो जाता है पानी से, मानसून आने वाला है तो अब इस किस तरह से अब संभालका के विकास को लेकर के किस तरह से हो रही है? देखो संभालका बिल्कुल अच्छी बात, मैं समझा संभालका जो पुल के नीचे पानी भरा, मैंने पिछले वीक में ही बल्कि कोविड के इसके कोरोना के दौरान ही मैंने मीटिंग की है डायरेक्टर NHAI और कमेटी के और सभी अधिकारियों, जल्दी इस वीक में मीटिंग लेने जा रहा हूं ताकि बरसात आने से पहले हमारी निकासी का समाधान हो सके। और वो भारी भरा थोड़ा, पिछले 5 साल के जो BJP सरकार रही कोई कार्य नहीं किया, 9 से 14 में विधायक रहा, कांग्रेस की सरकार है, जितने डेवलपमेंट कार्य है कॉलेज हॉस्पिटल CHC स्टेडियम पावर हाउस जो भी एक भी चीज़ आप संभालका में, आप पूरे 6 साल हो चुके हैं BJP सरकार को, कोई कार्य नहीं हुआ, रोजगार तो बच्चे लगे थे वो भी हटाए जा रहे हैं। तो आज बड़ा दुख की बात, लेकिन हम फिर भी विपक्ष में होते हुए भी हमारे यहाँ ताकत और हिम्मत है, हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और डेवलपमेंट संभालके हल्के का जो इसका रेशो है उसके हिसाब से पैसा भी लाएंगे, इसका विकास करेंगे। तो आप मजबूत लीडर हैं, उसके बावजूद भी अब बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है, दूसरी तरफ पंचायती चुनाव भी नज़दीक है, क्या देखते हैं कि भविष्य में अब जो है तख्ता पलट किस तरह से रहेगा और क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी? क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव में जहां गठबंधन की सरकार भी मजबूती से यहां पर लड़ाई लड़ने को तैयार है और वहीं कांग्रेस का गढ़ किस तरह से बचा पाएंगे, इस तरह की कोई भूमिका तैयार की गई है या पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई सौंपी गई है जिम्मेदारी? आप बड़ौदा देखो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को नेताओं को सभी जिम्मेदारी सौंपी गई, हमारी भी जिम्मेदारी लगाई गई। जहाँ तक बड़ौदा की बात है, मैं बड़ौदा की बात, बड़ौदा तो है ही क्या, एक तरफा कांग्रेस की लहर है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, शैलजा कुमारी शैलजा के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के आदेश अनुसार सभी कार्यकर्ताओं के नेताओं की ड्यूटी इंटरनल लगी हुई है, हम भी जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बड़ौदा की बात है, मैं बड़ौदा के नहीं पूरे हरियाणा में कोई BJP के नेता में किसी ताकत हिम्मत हो बाय इलेक्शन कराइए, बड़ौदा तो कांग्रेस का है ही है। आज पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव करा दे तो 90 में से 85 सीट कांग्रेस की आएंगी और BJP की जमानत जब्त होगी। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता दुखी है, हर किसान व्यापारी वर्ग आप देखे सब रोड पर उतर रहे हैं। तो ये थे धर्म सिंह छोकर विधायक संभालका, जिन्होंने कहा कि महामारी और ज़्यादा बढ़ती कीमतों को लेकर जहाँ जनता तो त्रस्त है ही और जनता सभी चीज़ें सोचती है और भविष्य में इस तरह के जो है परिणाम है वो चुनाव के माध्यम से जनता मौजूदा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। बहरहाल आज कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा और महंगाई कीमतों को बढ़ती देखकर आज सड़कों पर एकजुट कांग्रेस नजर आई। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। हमारी नौकरी खोसले नैनादर लाल, नैनादर लाल, नैनादर लाल, हम रोड पे बिठा दिए नैनादर, वापिस करो हमारा रोजगार, वापिस करो हमारा रोजगार, वापिस करो हमारा रोजगार, वापिस करो। हरियाणा शारीरिक शिक्षा संघर्ष समिति के तले आज PTI टीचरों का 15वां दिन है और 15वें दिन भी आज लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है, जहां एक तरफ रोजगार को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज वो पुतला जो है दहन करेंगे, पुतला जो नैना चौटाला है उनका पुतला दहन करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो हरी चुनरी चौपाल और महिलाओं की आवाज़ उठाने वाली जो है नैना चौटाला, जो कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माँ है और उनके उस प्रारूप को आज पुतला फूकना यहाँ पर इन्होंने सुनिश्चित किया और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी तरफ जहाँ कांग्रेस पार्टी बढ़ती कीमतों को लेकर आज प्रदर्शन कर रही थी, तो दूसरी तरफ आज यहाँ इन PTI टीचरों का क्या कहना, आज 15वें दिन भी लगातार आपकी हड़ताल जारी है, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा या किसी सरकार से आपको कोई मिलने आया या इसको धरने को ख़त्म करने के लिए आश्वासन देने जा पहुंचा है? आज हमें यहाँ 15 दिन हो गए बैठे हुए धरने पर, सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा आज तक हमारे को ये आश्वासन देने नहीं आया है भाई आपका रोजगार जो है ना बहाल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सभी विधायक और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी हमारे पास आ चुके हैं और हमारे पास सरोखाप पंचायतें भी आ चुकी हैं, सरोकारी संघ भी है, पूरा हमारे को जन समर्थन मिल रहा है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती, हमारी नौकरी बहाल नहीं होती, हम धरना नहीं छोड़ेंगे लगातार, कुछ भी हो लगातार जो है यहाँ पर जो उनका ये कहना है कि तमाम लोग समर्थन में आए लेकिन जनता का प्रतिनिधि कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा।
महिलाएं भी हैं हमारे साथ जो टीचर हैं। आज 15वां दिन है, किस तरह से आज रूपरेखा बनाई गई है, पुतला दहन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, क्यों? सर ये हम मैडम नैना देवी का पुतला दहन कर रहे हैं क्योंकि नैना देवी ने एक प्रोग्राम चलाया था गांव में और शहरों में कि लेडीजों का मान सम्मान के लिए हरी चुनरी से सम्मानित किया गया था, हरी चुनरी चौपाल के नाम से। हाँ जी हाँ जी। तो आज हम आप देख रहे हैं महिलाओं का कहाँ सम्मान है, जब महिलाएं रोड पे बैठी हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ ट्रैफिक जा रही है, हम स्कूलों से रोड पे ले आए हैं, खाने का हमें नाले पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम रोड प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मिलने पहुंचा आपको? कोई नहीं मिलने पहुंचा सर, सरकार की तो मिली भगत है, ये सरकार तो पॉलिटिक्स बाजी कर रही है। 15 दिन हो चुके हैं, आगे क्या रूपरेखा है? आप सारे हरियाणा में ऐसे ही बैठे हैं आप 15वें दिन भी, आगे क्या रूपरेखा है यदि सरकार आपकी बातों को नहीं मानती, क्योंकि जो है टीचरों को हटाया गया था और आपकी मांग है कि दोबारा उनको एडजस्ट किया जाए। सर जब तक हमें नौकरी में बहाल नहीं किया जाएगा हमारा प्रदर्शन ये लगातार रहेगा और पूरे स्टेट लेवल पे है, अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना चल रहा है हमारा, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे कुछ सुनवाई नहीं होती है सर ये स्टेट लेवल पे भी धरना बहुत बड़ा रूप ले सकता है। हम मतलब हर हद तक जाएंगे जो मतलब अपनी नौकरी पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ लगातार जो है हमारी नौकरी है खोस ले नैना तेरे लाल, नैना तेरे लाल ने, नैना तेरे लाल ने, हम रोड पे बिठा दिए नैना तेरे लाल ने, हम रोड पे लिया दिए नैना तेरे लाल ने, हम रोड पे लिया दिए नैना तेरे ने, हम रोड पे लिया दिए नैना तेरे लाल ने, हम रोड पे लिया दिए नैना, हमारा रोजगार वापिस करो, हमारा रोजगार वापिस करो, हमारा रोजगार वापिस करो, हमारा रोजगार वापिस करो, हमारा रोजगार वापिस, 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 हमारा रोजगार वापिस। लगातार आप देख पा रहे हैं कि जहां पीटीआई टीचरों का जो धरना लगातार जारी है, आज उनका जो प्रदर्शन है उग्र होता नजर आ रहा है, उनका ये कहना है कि उनको एडजस्ट नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो है गठबंधन की सरकार को यहां पर दुष्यंत चौटाला पर भी टीचरों ने वार करते हुए कहा कि उनके जो नैना चौटाला है उनके लाडले ने आज उनका रोजगार छीन लिया है, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं। तो यहाँ जो है लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो संघर्ष आज पुतला यहाँ पर फूंका जाएगा नैना चौटाला का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये हरी चुनरी चौपाल के नाम से जो कार्यक्रम चला गया था, तो शिक्षण संस्थान जो पीटीआई टीचर है वो इनका आज पुतला फूंकने जा रहे हैं। हरियाणा भर में तमाम जिला हेडक्वार्टर पर यह पुतला दहन किया जा रहा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर लाइव आप देख पा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर पीटीआई टीचरों का जारी है, उनका ये कहना है कि जब तक उनको रोजगार में दोबारा एडजस्ट सरकार नहीं कर लेती तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। तमाम तस्वीरें सिटी तालका के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं, आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अलावत, सिटी तालका, पानीपत। जिले में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, दिन प्रतिदिन कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक साथ फिर आज ताजा 5 नए केस सामने आए। गांव चुलकाना की 28 वर्षीय महिला व 7 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सेक्टर 12 का 36 वर्षीय पुरुष व सेक्टर 13-17 का 55 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव मिला, तो वही सराना की 59 वर्षीय वृद्धा भी कोरोना संक्रमित पाई गई। आपको बता दें कि आमजन के अलावा अब डॉक्टर्स भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। बीते दिन जिले के अलग अलग निजी अस्पताल
अस्पतालों के 2 डॉक्टर समेत 21 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 2 दिन पहले भी डॉक्टर संपत्ति कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिससे आमजन में भय की स्थिति पैदा हुई है। जून माह से अब तक 135 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। हर घंटे में कोरोना का 1 पॉजिटिव केस सामने आ रहा है, जबकि 16 घंटे में 1 मरीज कोरोना को मात भी दे रहा है। जिले में अगर कोरोना संक्रमित रोगियों की कुल संख्या की बात की जाए तो आंकड़ा 197 पर पहुंच चुका है, जबकि 84 केस अभी एक्टिव है। अब तक 103 केस कोरोना को मात देकर घर भी लौट चुके हैं, वही 7 की अब तक मौत भी हो चुकी है। जिस तरह से महामारी तांडव मचा रही है, लगता है आने वाला समय खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि महामारी के प्रकोप से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। हरियाणा रोडवेज निजीकरण के विरोध और लंबित पड़ी मांगों को लेकर रोडवेज डिपो पानीपत की कर्मशाला गेट पर डिपो प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसका संचालन विधिवत रूप से डिपो सचिव ने किया। सम्मेलन में लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मीटिंग को संबोधित करते हुए राज्य स्तरीय नेता व तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र अहलावत, जय कुमार दहिया व मंजीत पहल ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार महामारी फैलने से देश प्रदेश पर आए संकट की घड़ी में भी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेट रूट परमिट देने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। वर्ष 2017 में पूर्व परिवहन मंत्री कृष्ण पवार की अध्यक्षता में तालमेल कमेटी के साथ हुई मीटिंग में स्टेज कैरेज स्कीम 2016 रद्द की जा चुकी है, लेकिन भाजपा व जसपा सरकार ने मिलकर दोबारा से इस स्कीम के तहत प्राइवेट बसों को लंबे रूट परमिट देकर प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों व प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, जिसके खिलाफ 3 जुलाई 2020 को भारतीय मजदूर विरोधी दिवस को सफल बनाने के लिए प्रदेश की सभी संगठन एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।